Basic Chinese course. In this video, we will learn about useful expressions. The contents for today's video are introduction of useful expressions, characters typing, conversation and vocabulary. दोस्तों जब नॉर्मली हम किसी के साथ बात करते हैं और किसी को कोई काम करने का कहते हैं मिसाल के तौर पर ये लिखो ये पढ़ो ये सुनो ये कमांडिंग किस्म का लेते हैं मतलब आप कमांड कर रहे हैं ऑर्डर दे रहे हैं मिसाल के तौर पर तीन दो छः सौ इसका मतलब है लिसन टू का मतलब है रीड शे का मतलब है राइट शो का मतलब है से और स्पीक तो अब इंग्लिश में जब आप किसी से बात करते हैं किसी को कहते हैं ये लिखो ये पढ़ो ये सुनो ये बताओ ये ऑर्डर किस्म का लगता है अब इन अल्फाज को इन एक्शन को गुड एक्सप्रेशन से या रिस्पेक्टेड तरीके से किस तरह कहे जाए इसके साथ सिंपल एक प्लीज का वर्ड इस्तेमाल करें प्लीज प्लीज लिसन प्लीज रीड प्लीज राइट प्लीज से तो प्लीज के लिए हम चाइनीज में इस्तेमाल करते हैं चीन चीन मीन प्लीज तो अगर इन अल्फाज को हम चीन इस्तेमाल इनके साथ चीन लगाए तो मिसाल के तौर पर चीन चीन तीन चीन दो चीन छे चीन शो तो ये एक रिस्पेक्टेड तरीका एक गुड एक्सप्रेशन के साथ एक फॉर्मल तरीका है कि हम किसी को मतलब अपनी बात मनवाए किसी से चीन तीन चीन दो चीन चीन Please listen, please read, please write, please say. तो अगर आप किसी के साथ कन्वर्सेशन कर रहे हैं और आप उसकी बात नहीं समझ रहे आपको कोई क्वेश्चन है या आप उसकी बात नहीं समझ रहे तो कौन सा पोलाइट तरीका इस्तेमाल किया जाए कि मतलब उसको किस तरीके से बताए कि आपकी बात मुझे समझ नहीं आ रहा है सिंपल है इंग्लिश की तरह प्लीज सॉरी आई डोंट अंडरस्टैंड सॉरी आई डोंट अंडरस्टैंड Sorry, I don't understand. Sorry, I don't understand. तो sorry के लिए और I don't understand के लिए दो पूछी दो पूछी वो मैं Please listen, please read, please write. For example, आप से वो बात कर रहे हैं और आप को समझ नहीं आ रहा है तो आप polite तरीके से पूछ सकते हैं या कह सकते हैं Sorry, I don't understand. Sorry, I don't understand. 对不起，我没听懂. 对不起，我没听懂. For example. इसी कन्वर्सेशन में आपको कोई क्वेश्चन है आप पोलाइट तरीके से उससे मतलब मिसाल के तौर पर टीचिंग टीचर से कैसे पूछे कि आई हैव अ क्वेश्चन सिंपल तरीका एक्सक्यूज मी आई हैव अ क्वेश्चन एक्सक्यूज मी आई हैव अ क्वेश्चन एक्सक्यूज मी आई हैव सॉरी आई हैव अ क्वेश्चन请问我有个问题 请问, excuse me, 我有个问题, I have a question. I have a question. This one, 请问 means excuse me.
excuse me 我有个问题 is 个别 or is 티别 in 도노배 야하배 third tune 해 야하배 sorry second tune 해 sorry 야하배 fourth tune 해 야하배 second tune 해 我 means I, 有 mean have 个 is actually in Chinese 함 is 따라 읽대 해 저게 우버 기타라 에쇼 해 에로 해 ये क्लासिफायर वर्ड है नॉर्मली ये नंबर्स के लिए इस्तेमाल होता है 1 2 3 ई ग ल्यांग सांग सग तो ये क्लासिफायर वर्ड है यहां पे मतलब हम पूछ रहे कि आई हैव अ क्वेश्चन लाइक आई हैव वन क्वेश्चन वो यो ग वन थी सो ये क्लासिफायर वर्ड है वन थी का मतलब है क्वेश्चन या प्रॉब्लम क्वेश्चन या प्रॉब्लम तो इसका हम थोड़ा सा रिवीजन करते हैं Ting means listen. Ting, qing, ting, qing, du, qing, xie, qing, shuo. 对不起, 我没听懂. 对不起, 我没听懂. Or this one, excuse me, I have a question. 请问我有个问题. 请问我有个问题 तो दोस्तों अब हम आते हैं कैरेक्टर टाइपिंग पे चिंग थिंग प्लीज लिसन चिंग थिंग नंबर 4 नंबर 41 इज करेक्ट चिंग थिंग प्लीज लिसन चिंग डू चिंग डू qing du qing number 6 and du is number 4 qing du please read qing xie please write qing number 1 xie number 1 qing xie please write qing shuo please say qing shuo shuo means say qing shuo number 5 dui bu qi I'm sorry dui bu qi wo mei ting dong ting dong sorry I don't understand wo mei ting dong number 6 qing wen 请问 number 6 请问我有个问题 excuse me I have a question 请听请读请写请说 对不起，我没听懂，请问我有个问题。 तो आते हैं conversation session में मैं आली के साथ conversation करूंगा with and without English translation तो चलिए चलते हैं please listen 请听 please read 请 do please write 请写 Sorry, I don't understand. 对不起,我没听懂. Read after me. 跟我读. 请听,请读,请写,请说. Excuse me, I have a question. 请问,我有个问题. Please say 请说 So let's take a short review on today's vocabulary 听 means listen 听读 means read 读写 means write
写, 说, 说 means say, 说, 请, 请 means please, 请, 对不起, 对不起, I'm sorry, 没听懂, 没听懂, don't understand, 没听懂, 请问, 请问, excuse me, 请问, 请问, 问题, 问题, question, 问题, 问题. This channel is actually for learning basic Chinese and preparation for HSK levels. If you are a beginner and want to learn Chinese for free, so please join us by subscribing to our channel and don't forget to press the bell icon that you won't miss any updates in the future.